21 तारीख को हरियाणा महाराष्ट्र सहित देश के कई इलाकों के अंदर उपचुनाव भी हो रहे हैं। मैं समस्त नौजवानों से, किसानों से, छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों से आह्वान करता हूं कि राष्ट्र हित के अंदर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें, हरियाणा के अंदर पूरा, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को पूरा समर्थन करें नौजवान, और मंडावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी आरएलपी गठबंधन को मदद करें भाजपा को, और खींवसर जो नागौर की सीट है, खींवसर राजस्थान के अंदर, वहाँ आरएलपी बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी भाई नारायण जो जनता के चेहरे प्रत्याशी है उनको समर्थन करके भारी वोटों से जाए। तमाम नौजवानों से आग्रह करना चाहूँगा कि आज राष्ट्र हित के अंदर तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आदेश से और रक्षा मंत्री जी के आदेश से सेना ने तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक किया, आतंक के आकाओं का दिमाग ठीक कर दिया और पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर आतंकी मारे गए, आतंकी कैंपों पे तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। और अभी पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान का इलाज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी करेंगे, धारा 370-35 से हटाने के बाद दोबारा इनका दिमाग ठीक किया और जो आतंक के आका बने हुए थे, आतंक को जो पनाह देते थे आतंकवादियों को, उनका निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो 50 साल आतंकवादियों को पनाह दी इस देश के अंदर, 55 साल कांग्रेस ने पनाह दी आतंकवादियों को, जवाहरलाल नेहरू की भूल की वजह से देश गर्त के अंदर चला गया, पर मोदी जी के आने के बाद हर भारतीय अपने आप को भारतीय कहने पर फख्र महसूस करता है, गर्व महसूस करता है। पर अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी का वेट करता है, एयरपोर्ट पर आता है और हाउ डू मोदी कार्यक्रम के अंदर किस तरह जैसे दोस्त होते हैं आपस में, भाइयों की तरह घूमते हैं, साथ चलते हैं, तो इसका मतलब है कि भारत का सम्मान पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने। ये जो हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव है इनमें तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट डालना, जवानों से मैं आह्वान करता हूँ। राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस की नकारा निकम्मी सरकार, अशोक गहलोत की भ्रष्ट सरकार, और अपने बेटे के हारने के बाद अशोक गहलोत बौखला गया और गलत तरीके से पहले तो अपने बेटे को चेयरमैन बनाया, वहाँ आरसीए का अध्यक्ष बनाया फर्जी तरीके से, और अब फर्जी तरीके से इनका पुलिस का और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मंडावा और खींवसर में फर्जी मतदान की तैयारी राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं राजस्थान की सरकार को चेतावनी देता हूँ कि दम है तो एक भी फर्जी वोट डाल के यहाँ दिखा दे। हमारे यहाँ के लोग जो जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। कल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से खींवसर मंडावा के नौजवानों को आह्वान करता हूँ कि प्रत्येक वोट को बूथ तक लेके जाएं। अगर ये जबरन गाड़ियां जब्त करें, मोटर व्यवस्था को खराब करने का कोशिश अशोक गहलोत की सरकार नागौर झुंझुनू के अंदर कर रही है। मैं मेरे जागरूक नौजवानों से आह्वान करता हूँ, जिस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देश को एक नई दिशा दी, प्रदेश को नई दिशा दी, इसी तरह खींवसर के अंदर आप जी जान से जुट जाएं। नारायण आपका छोटा भाई है और ये लड़ाई नारायण और हरिंदर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अशोक गहलोत के 11 महीने का भ्रष्टाचार कार्यकाल, जिसमें धारा 370-35 से हटा के विश्व के अंदर मैसेज दिया भारत शक्तिशाली राष्ट्र है, आपको सोच समझ के मतदान करना। दोनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी हारनी चाहिए, जवानों एक नया इतिहास कल आप लिखोगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल राजस्थान का जवान अगर चाहेगा तो खींवसर के अंदर और मंडावा के अंदर नया इतिहास लिखा जाएगा। इनकी सारी जो गुंडागर्दी है खत्म कर दो इनकी, यहाँ पे एक एक वोट की चोट से गहलोत को भगाना है। और दोनों सीटें अगर कांग्रेस हारती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक महीने के अंदर अंदर अशोक गहलोत की यहाँ से रवानगी हो जाएगी, जिस तरह उसके बेटे की जोधपुर से रवानगी हुई थी, इसकी भी रवानगी राजस्थान से कर देंगे। दोबारा मेरे भाइयों से मैं आह्वान करता हूँ, छत्तीसगढ़ के बीजेपी आरएलपी के मेरे भाइयों से आह्वान करता हूँ कि खींवसर के अंदर भारी मतदान करें, खींवसर के प्रत्येक धानी धानी गांव गांव से वोट को लाके बूथ तक पहुंचाना, आपके आईडी जो मांगे गए प्रूफ है चुनाव आयोग द्वारा, उन आईडी को साथ रखें। और फर्जी मतदान कहीं भी हो रहा उनकी सूचना तुरंत हमारे को दें, कंट्रोल रूम के अंदर दें। और कुचेरा जो गाँव है यहाँ पे ये फर्जी मतदान की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं चुनाव आयोग से भी निवेदन करूंगा कि कुचेरा के अंदर आप भी फर्जी मतदान रोकने का काम करें और हमारे लोग भी कुचेरा के अंदर खड़े रहेंगे, मैं भी कुचेरा रहूंगा व्यक्तिगत रूप से 2-3-4 घंटे,
फर्जी मतदान एक भी नहीं पड़ने देंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है, जो टकराव अगर नहीं रोकेगी तो टकराव होगा, इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। मैं फिर मेरे जागरूक मतदाताओं से अपील करता हूँ कि कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ, अशोक गहलोत की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ उखाड़ के फेंकना है दोनों सीटों का। जो तिमाही टेस्ट अपना चल रहा है राजस्थान के अंदर, प्रधानमंत्री जी का जो 4 महीने का कार्यकाल है, दोनों की तुलना करते हुए गहलोत की विदाई का रास्ता आप तैयार करें राजस्थान से। प्रत्येक वोट को बूथ तक लेके जाना है, पुलिस कितनी भी गुंडागर्दी करता है आपको वैसे नहीं उलझना है, शांतिपूर्ण तरीके से अपने को मतदान शाम तक सारा एक एक मत बूथ तक जाए, ये व्यवस्था जवानों आपको करनी है। आपका भाई हनुमान बेनीवाल कल पूरे दिन यही रहेगा, कोई आवश्यकता मेरे टेलीफोन पर आप टेलीफोन भी करना। कलेक्टर एसपी वोट मांग रहे हैं, कलेक्टर एसपी खुद वोट मांग रहे हैं कांग्रेस, यहाँ कई अधिकारी वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के, अलग अलग समाजों के अधिकारियों को लाके उनको यहाँ मोहल्लों के अंदर भेज दिया। लेकिन खेमसर की जनता फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, 3 बार विधानसभा और 4थी बार हनुमान बेनीवाल को लोकसभा के अंदर भेजने के बाद फिर आरएलपी के खाते के अंदर खेमसर की सीट बीजेपी के सहयोग से आएगी, और आरएलपी के जवान मंडावा के अंदर जुटे हुए और वहाँ भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे, गहलोत की विदाई करेंगे राजस्थान के अंदर। धन्यवाद, कल वोट को याद रखें और अभी से जुट जाएं, सोना नहीं है सबको। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी ने आज कांग्रेस को हराने की अपील करी, मैं धन्यवाद दूंगा बसपा पार्टी का। मैं तो बसपा से गठजोड़ की बात पहले भी करता था, वो भी शोषित पीड़ित की बात करते हैं और हम भी शोषित पीड़ित की बात करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ही है राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, कि शोषित पीड़ित तबके को न्याय मिले, और हम भी वही बात करते हैं, वही बसपा करती है। पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को करारी चोट देते हुए आज आह्वान किया बसपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने, जिला अध्यक्ष ने, कि कांग्रेस को हराएं। कांग्रेस ने 2 बार बसपा को तोड़ के दलित हितों पर कुठाराघात किया। मैं मेरे शेड्यूल कास्ट के भाइयों से, तमाम बसपा के कार्यकर्ताओं से, भीम सेना के नौजवानों से, राम साहब पीर की जो जो सेना बनी, इनसे तमाम दलित युवकों ने जो सेना बना रखी, अलग अलग मोर्चे बना रखे, उन सबसे आपके भाई का आह्वान है कि आपके लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा लड़ता रहेगा, लड़ेगा, आपको मुख्य धारा के अंदर लाएगा, सत्ता में आपकी भागीदारी दिलाएगा। आप कल जोरदार मदद हमारी खेमसर और मंडावा के अंदर कराएं, डरने की आवश्यकता नहीं है, बेमुक्त होकर मतदान करें। सरकार में दम नहीं कि हनुमान की सेना को रोक सके, किसानों को रोक सके और राजस्थान में मतदान को रोक सके। यह अशोक गहलोत का भ्रम है जो कल मिटा देंगे। जिस तरह इसके बेटे को जोधपुर में हराया, इसने सरपंचों को फोन किए फिर भी हार का मुंह देखा, यहाँ भी गहलोत जहाँ सरपंचों को, प्रधान से लेकर कर्मचारियों को डिस्टर्ब करना, हटाना, सस्पेंड करना, उसी राजनीति में कांग्रेस उतर गई है। इसका करारा जवाब वोट की चोट से कल राजस्थान के नौजवानों को, खींचर और मंडावा में कांग्रेस